मुझे याद है पिछले साल फरवरी मार्च अप्रैल में दुनिया के कई नामी एक्सपर्ट्स और बड़ी बड़ी संस्थाओं ने क्या क्या कहा था। भविष्यवाणी की गई थी कि पूरी दुनिया में कोरोना से सबसे प्रभावित देश भारत होगा। कहा गया कि भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आएगी। किसी ने 700-800 मिलियन भारतीयों को कोरोना होने की बात कही तो किसी ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों की मृत्यु का अंदेशा जताया था। दुनिया के बड़े बड़े और आधुनिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले देशों का उस समय जो हाल था वो देखकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए दुनिया की चिंता भी स्वाभाविक थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तब हमारी क्या मनोदशा रही होगी। लेकिन भारत ने खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया। भारत प्रोएक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन के अप्रोच के साथ आगे बढ़ता रहा। हमने कोविड स्पेसिफिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर लगाया। हमने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन किया। टेस्टिंग और ट्रैकिंग, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है, और जहां आज कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या, जैसे प्रोफेसर ने बताया, तेजी से घट रही है।